अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको शामी कबाब बनाने की तरकीब बताते हैं। ये देखें, मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, ये बीफ का गोश्त है, और ये 1 किलो चने की दाल है, भिगोई हुई है 2 घंटे से मैंने। ये 1 किलो आलू है, और जी ये लहसुन अदरक है, ये देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा लहसुन छीला है अदरक को कटिंग करके, और एक तेज़ पात है, ये मैं गोश्त देगची में डाल रही हूँ। ऊपर से चने की दाल जो 2 ढाई घंटा तकरीबन भिगोई हुई थी साफ करके मैंने, और चने की दाल के साथ ये तेज़ पात और लहसुन अदरक, इसमें सभी चीज़ों को इनको गलाना है। इसमें मैं गलने के मुताबिक पानी डाल दूंगी जितने में ये आसानी से गल जाए। ये देखें, चूल्हा जला दिया हमने इनके इसके नीचे, और ये जितनी देर में गल सकता है हम इसको पकाएंगे इतनी देर। और आलू को मैंने अलग-अलग से बॉईल करके और छील कर ये रख लिया है। ये मैंने मसाले लिए हैं, 2 से 2.5 चम्मच नमक है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मोटी मिर्च, और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और ये 2 चम्मच जीरा, और ये छोटी इलायची 5-6, और ये लौंग है 6-7, और ये आधा चम्मच काली मिर्चें, और ये जावित्री थोड़े से पीसी, और ये 3 से 4 अदद बड़ी इलायची, और ये दालचीनी है छोटे छोटे पीसीज में थी, ये भी इसमें मैं इनको सबको पीस लूँगी। और ये हरा मसाला, हरा धनिया मैंने साफ करके कटिंग करके रखा हुआ है, ये हरी मिर्चें हैं साबुत, ये सब कुछ इसके अंदर जाएगा। गरम मसाले को मैं पीस लूँगी। ये देखें, ये नाजरीन गल चुका है, दाल बोटी बिल्कुल गल के तैयार हो चुकी है, ये किस तरह से नरम हो गई है बिल्कुल, दाल तो आधी बल्कि पीस भी गई है। अब इसमें जो तेज़ पात है इसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि इसको पीसना नहीं था इसमें, बस इसका जो जायका था वो पकने में इसमें आ चुका, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे इसमें से। ये देखिए नाजरीन, अब इसमें मैं एक गरम मसाला ऐड करूंगी। गरम मसाला मैंने पहले नहीं डाला, बाद में ताज़ा पिसा हुआ डालते हैं, इसी को खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये बाकी सारे मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया, ये इसके अंदर, और ये जो आलू मैंने बॉईल करके 1 किलो बॉईल करके रखे हुए थे छील के कटिंग करके, ये भी इसके अंदर जाएंगे। इनको थोड़ा सा हम थोड़ी सी सेक लगाएंगे बस, और इसमें फिर हरा मसाला डाल देंगे। हरा मसाला हमने ऐसे ही बिल्कुल यानी पीसना है, यानी उसको पकाना नहीं है, बस इस मसाले में थोड़ी सी सेक लग चुकी है। अब इसके ऊपर मैं हरा मसाला डाल के थोड़ी देर रख दूंगी, ये ठंडा होता है तो फिर हम इसको कीमे वाली मशीन में इसको मैंने पीसना है। फिर देखें मिर्चें सारी ऐसे साबुत इसमें डाल के ये पिस जाएंगे सब कुछ साथ, हरा धनिया मिर्चें, अब इसके पिसाई का मरहला हम शुरू करते हैं। मुख्तलिफ तरीके से लोग नाजरीन बनाते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ, इसमें आलू दाल बराबर के डाल देती हूँ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें, ये हम कीमे वाली मशीन में इसकी पिसाई कर रहे हैं। ये देखो हरी मिर्चें धनिया इसमें पीस कर आ रहा है, और बाकी मसाले हम पीस कर इसको चेक करेंगे किस तरह से, नमक मिर्च की और ज़रूरत थी तो हम और ऐड कर देंगे पीसे हुए में, मिक्स कर देंगे। ये मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, उसको ऑयली करके फैला लिया है। ये मैं नए तरीके से आपको बनाना बताती हूँ किस तरह से जल्दी काम हो जाए शामी कबाबों का। इस शीट पे मैं पिसा हुआ काम जो भी था सारा मैं इस पे हाथ की मदद से प्रेस करूँगी, ये इस तरह से पूरे ऑयली शीट पर हाथ से इस तरह से प्रेस होके बिल्कुल एक लेवल में करना है, ताकि हमारे सारे कबाब एक जैसे बने बिल्कुल। ये देखिए ये हो चुका है, अब ये मैंने एक ढक्कन लिया है बोतल का, इसके ऊपर छोटी सी सीट लगाई है, और इसको इस तरह से प्रेस करूंगी
और ये कटिंग हो जाएगा, आसानी से ढक्कन उठ भी जाएगा प्लास्टिक की मदद से। ये जो शीट लगाते हैं इससे, ये इसकी मदद से हो जाता है। और ये सारे बिल्कुल एक ही साइज के हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। और ये इतनी जल्दी से तैयार होते हैं, हम अलग अलग लेके बनाए छोटा छोटा तोड़ के तो इतनी देर लग जाती है। सब कटिंग हुए हुए हमें साथ साथ उठाते जाएंगे और हाथ की मदद से हल्का हल्का इनको जहाँ थोड़ी बहुत जरूरत महसूस करेंगे वो सेटिंग करेंगे। और ये मैं रखती चली जाऊंगी, बहुत जल्दी इस तरह से ज्यादा तादाद में कबाब बनाने हो घर की जरूरत के मुताबिक जैसे, तो ये बन जाते हैं, जल्दी बनते हैं इस तरह से, बजाय उसके कि एक एक हम ले लेके करते रहे। मेरे कबाब तैयार होने वाले हैं सारे, मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ एक दो इसमें से। ये देखिए मैंने अंडा फेंटा, उसमें कबाब को डिप किया और ये थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डाला और उसमें मैं एक एक कबाब को ऐसे डालती जाऊंगी, उसे साइड पे करती जाऊंगी और बाकी रखती रहूंगी। नाजरीन हमारा चैनल ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें थोड़े से ऑयल में डीप फ्राई नहीं करती मैं कभी भी, हमेशा इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। और ये देखें मेरे 2 चम्मच ऑयल में ये 5 अदद कबाब किस तरह से आसानी से बन गए। ये देखें तैयार हो गए नाजरीन, बनाइएगा खाइएगा। चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़।